This is Vipul Patak again from the Department of Management Studies, GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida. Uh, we shall be continuing our subject of operation planning and control. In the last class, we understood what forecasting is, what is its role, what is its importance, and why is it necessary for the organizations and more importantly for the production and planning control manager who are working to ensure a streamlined production in their particular organizations now when we are talking about forecasting there are two methodologies through which forecasting is practiced right so in this particular session we shall be covering the qualitative forecasting techniques right when we talk about forecasting there are two types of forecasting as are represented here that is the qualitative one and the quantitative one right एज वी कैन सी हेयर द साइंटिफिक लिटरेचर ऑन डिमांड फोरकास्टिंग विच रेफर्स टू द फैक्ट दैट देयर हैज़ बिन एक्सटेंसिव स्टडी काफ़ी टाइम से इसको पढ़ता आया जा रहा है कि फोरकास्टिंग किन बेसिक दो मेथड से प्रैक्टिस की जाती है राइट right? तो उसमें हमारे आए दो तरीके के मैथड्स फाइंड हुए क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव द साइंटिफिक लिटरेचर हैज ट्रेडिशनली क्लासीफाइड द वेरियस मैथड्स एंड टूल्स हम यहाँ पे सिर्फ इसकी दो मेजर जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है सिर्फ वो नहीं पढ़ेंगे हम आगे ये भी देखेंगे कि उनके अंदर कौन से टूल्स एम्प्लॉयड हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्वालिटेटिव में सिर्फ एक टूल है या क्वान्टिटेटिव में एक टूल हो उसमें भी अंदर कई तरीके की टूल्स हैं डिपेंडिंग ऑन किस तरीके की फोरकास्टिंग हम किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के किस तरीके की इंडस्ट्री पे या किस तरीके के प्रोडक्ट पे हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं हमारी फ़ोरकास्टिंग उसके हिसाब से हमारा टूल इस्तेमाल किया जाएगा राइट सो एस बी सी क्वांटिटेटिव दैट इज़ स्टैटिस्टिकल एंड क्वालिटेटिव दैट इज़ जजमेंटल अप्रोचेस नाम से ही जो हमें समझ में आ रहा है स्टैटिस्टिकल जहां पे हमारा कुछ डेटा होगा हम कुछ एनालिसिस करेंगे हम टूल्स एम्प्लॉय करेंगे जो कि हमारी डेटा को एनालाइज़ करेगा हमें समझने में मदद करेगा और दूसरा है जजमेंटल जजमेंटल मतलब जिसमें हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से या हमने जो मार्केट में देखा है एक प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं उससे समझने की कोशिश करेंगे कि आगे का फोरकास्ट बेहतर किस डायरेक्शन में हो सकता है ठीक तो अब देखते हैं सूटेबिलिटी सूटेबिलिटी मीन्स कौन किसके लिए ज़्यादा सूटेड है हम कब क्वालिटेटिव इस्तेमाल करें कब क्वान्टिटेटिव इस्तेमाल करें इन जनरल टर्म्स द फॉर्मर फॉर्मर मीन्स जो पहला आया है दैट इज़ द क्वालिटेटिव जो कि हम इसमें कवर करेंगे आर जनरली कंसिडर्ड टू बी मोर एक्ूरेट वेन अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा आर अवेलेबल आपके पास अगर हिस्टोरिकल डेटा है मतलब आपके पास पहले का डेटा है तो आप क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स को लगा सकते हैं आप उसके डेटा पे एनालिसिस कर सकते हैं एंड द फिनिना अंडर द इन्वेस्टिगेशन आर स्टेबल फिनोमिना का स्टेबल होने का मतलब है कि, कि जिस फैक्टर्स की वजह से उसकी डिमांड एक पर्टिकुलर ट्रेंड फॉलो कर रही है एक पर्टिकुलर तरीके का डेटा आ रहा है उसी तरीके की जो फैक्टर्स है वो आगे भी फ्यूचर में जिस टाइम के लिए फ़ोरकास्ट हम करना चाह रहे हैं वो वैसे का वैसा ही बना रहेगा तो हमारी जो फोरकास्ट है वो उसके लिए स्टेबल मानी जा सकती है उसके लिए प्रडिक्टेबल मानी जा सकती है द लेटर लेटर इज द क्वालिटेटिव वन द क्वालिटेटिव ones आर प्रेफर्ड when there आर नो हिस्टोरिकल डेटा हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे एंड when द phenomena अंडर इन्वेस्टिगेशन आर रैपिडली चेंजिंग अब जैसे मान लीजिए हम चार साल के चार मौसम लें आपके पास सर्दी होती है गर्मी होती है पतझड़ होता है मानसून होता है तो आप अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लें जैसे अम्ब्रेला तो उसका जो पर्टिकुलर सेल है वो कब होगा वो होगा मॉनसून के सीज़न में हम अगर बात करें एयर कंडीशनर के सेल्स की तो वो कब होगी गर्मी के सीजन में तो अब ये इस पर भी डिपेंड करता है कि किस पर्टिकुलर साल में गर्मी ज़्यादा पड़ती है अब वो पहले से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता हमें ये पता है कि चार सीजन आएंगे पर चार सीजन में कितनी हमें देखने को मिलेगा कि उसकी इंटेंसिटी कितनी रहेगी कि वो हम पहले से प्रेडिक्ट उतनी एक्यूरेटली नहीं कर सकते ठीक और इन द केस ऑफ वन ऑफ एक्सेप्शनल इवेंट्स सच एज सेल्स प्रमोशन अब कोई भी कंपनी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सेल्स प्रमोशन कर रही है तो उस पर जो भी फैक्टर्स डिपेंडेंट हैं जैसे किस डेमोग्राफिक्स को देख के कर रहे हैं किस एरिया में कर रही है किन लोगों को देख के कर रही है वो सारे हर बार यूनिक होते हैं तो क्योंकि वो यूनिक है इसलिए उसका कोई भी हिस्टोरिकल डेटा से उतना ज़्यादा रेलिवेंस नहीं रहता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी जजमेंट को ये देखते हुए कि लोगों को क्या पहले अच्छा लगा है उस पर हम थोड़ा सा जजमेंट यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो हम उससे फोरकास्टिंग बेटर कर पाते हैं ठीक ओके okay. नो वेयर टू यूज़ विच कहाँ पे किस वाली टाइप ऑफ फोरकास्टिंग को हम इस्तेमाल करें द टू अप्रोचेज हैव कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इसका क्या मतलब हुआ अब जो जहाँ पे क्वालिटेटिव स्ट्रॉन्ग है वहां पे हो सकता है जो क्वान्टिटेटिव है वो थोड़ी सी वीक हो एंड वाइस एवरसा जहाँ पे क्वान्टिटेटिव स्ट्रॉग है वहाँ पे हो सकता है क्वालिटेटिव वीक हो तो हमें अपनी बेस्ट जजमेंट लेनी पड़ेगी कि डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट डेमोग्राफिक्स एंड अदर फैक्टर्स जिन पे कि फोरकास्टिंग हमारी जजमेंट बेस्ट करती है हम उसके हिसाब से अपनी फोरकास्टिंग का टूल चूज करेंगे

कि हाँ ये देखने के लिए कि कौन सी कंडीशन ऐसी हैं जिसमें कि क्वान्टिटेटिव अप्रोच रहेगा और कब ऐसा है जब क्वालिटेटिव अप्रोच बेटर फोरकास्ट के रिजल्ट आपको दे पाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं जिस रिसर्च पेपर से लिया गया है, वो 1990 से है तो उससे भी पहले से ये रिसर्च कंटिन्यूड है बहुत टाइम से ये रिसर्च चलती आ रही है और ये रिसर्च चलती रहेगी क्योंकि हमारे जो मार्केट की कंडीशन है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है मार्केट हमारा डायनामिक है कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस भी चेंज होती रहती हैं In some cases, the two approaches can also be used together, opening up new opportunities, but also creating new challenges, such as determining the best method of combining them. इट इज़ बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री जैसे हमने पहले भी पढ़ा था आप ऐसा नहीं करते कि आप प्योरली क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग पे जाते हैं आप प्योरली क्वांटिटेटिव पे भी नहीं जाते यू ट्राई टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन देम क्योंकि दोनों में से किसी एक पे भी एक्सक्लूसिवली जाने का मतलब क्या हुआ कि बाकी के जो एडवांटेजेस हैं वो आप लूज कर देंगे जैसे आपने क्वांटिटेटिव 100 परसेंट कर दिया तो जो क्वालिटेटिव के एडवांटेजेस होंगे वो आपको नहीं मिलेंगे सो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस जो हैं हम रेशियोज़ बनाने की कोशिश करते हैं लाइक सिक्सटी फोर्टी थर्टी सेवेंटी कि हमें कितना क्वालिटेटिव एनालिसिस चाहिए कितनी क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग चाहिए और कितनी हमें क्वान्टिटेटिव फोरकास्टिंग चाहिए राइट right? ओके okay. तो नाउ आप क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग पे आते हैं तो क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग एज द नेम एम्प्लाईज मतलब जैसे कि आपको उसके नाम से ही समझ में आता है आर द फोरकास्ट दैट आर जनरेटेड फ्रॉम इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन क्या होती है इंफॉर्मेशन इज़ वेरीफाइड डेटा कि आपके पास जो डेटा अवेलेबल था उससे आपने क्या समझा तो उससे आपका टाइम बचता है आपको हर बार पूरे डेटा का एनालिसिस नहीं करना पड़ता दैट डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड एनालिटिक स्ट्रक्चर उससे हो सकता है पहले से ही वो पर्टिकुलर तरीके का एनालिसिस जो आप करना चाहते हैं जो आपसे कंसर्न है वो पहले से नहीं किया गया है तो उस डेटा से आप वो कैरी आउट करके अपनी फोरकास्टिंग कैरी आउट कर सकते हैं दे कैन बी स्पेशली यूजफुल वेन नो पास्ट डेटा इज़ अवेलेबल सच एज़ वेन अ प्रोडक्ट इज न्यू एंड हैज़ नो सेल्स हिस्ट्री अगर उस प्रोडक्ट का पहले से बहुत सारी सेल्स हिस्ट्री नहीं है उसका पहले से बहुत सारा रिकॉर्ड नहीं है तो उससे क्या होगा कि वो आपके पास आपको देखना पड़ेगा कि अब इसके क्या हो सकता है इस कंज्यूमर ने पहले क्या पसंद किया है तो उसके हिसाब से हम जजमेंट लगाते हैं कि क्वालिटेटिवली इनको क्या पसंद आया है हम किस तरीके से इसकी फोरकास्टिंग आगे करें ठीक है तो की फीचर्स क्या देखेगा इससे क्वालिटेटिंग फोरकास्टिंग के द फोरकास्ट इज़ यूजली बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट आपको क्या लगता है कि जो सामने वाला है वो क्या पसंद करेगा और सम एक्सटर्नल क्वालिटेटिव डेटा कुछ हम जैसे कोशिश करते हैं कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस जाने की थ्रू सर्वेज फोरकास्ट की आपको इनमें से क्या पसंद है किस वजह से पसंद है अब ये ऐसी चीज़ें हैं जिसका कोई क्वांटिटेटिव मेजर नहीं है इनको आप वन टू फाइव में एक्जैक्टली exactly बता नहीं सकते कि अगर मैंने फोर मार्क किया तो फोर ही पर्टिकुलरली क्यों मार्क किया राइट इट इज़ योर पर्सनल प्रेफरेंस ठीक द फोरकास्ट टेंड्स टू बी सब्जेक्टिव एंड सिंस they tend टू बी डेवलप्ड from द एक्सपीरियंस ऑफ पीपल involved, विल ऑफन बी biased बेस्ड ऑन द potentially optimistic और pessimistic position ऑफ those पीपल एक हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि यूपी के लोगों को पेप्सी का कोई नया फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद आया यूपी वेस्ट के लोगों को और यूपी ईस्ट के लोगों को पसंद नहीं आया तो क्या पेप्सी ने ये कोई सोच के बनाया था कि ये पर्टिकुलर फ्लेवर इन लोगों को पसंद आना चाहिए इनको नहीं पसंद आना चाहिए ऑब्वियसली नॉट हम तो ये चाहेंगे कि जो लोग जो भी पिए उसको उसको वो फ्लेवर पसंद आए तो वो आपका पर्सनल फ्लेवर है ऐसा भी नहीं है डेफ़िनेटली कि आप यूपी वेस्ट से हैं तो लाइक like ही करेंगे या आप यूपी ईस्ट से हैं तो आप डिसलाइक ही करेंगे इट इज़ एब्सोल्यूटली अप टू यू वो टोटली totally आपका ओपिनियन है तो हम डिपेंडिंग ऑन वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो ऑप्टिमिस्टिक है यानी कि वो एक पॉजिटिव अप्रोच रखता है या पेसिमिस्टिक है कि वो एक नेगेटिव अप्रोच रखता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में उस पर डिपेंडिंग है कि आपका फोरकास्ट जो है वो सब्जेक्टिव होगा सब्जेक्टिव मीन्स कि वो पर्टिकुलरली उस पर्सन पे डिपेंड करता है जिससे आप पूछ रहे हैं तो वो उसके परसेप्शन पे डिपेंडेंट है आपका फोरकास्ट आगे का क्या बनेगा ठीक एंड एडवांटेज इज़ दैट दिस मेथड ऑफन डज अलाउ फॉर सम फेयरली रैपिड रिजल्ट आपको इसमें जो रिजल्ट हैं वो थोड़ा जल्दी मिल जाते हैं क्योंकि आपको पास्ट डेटा एनालाइज करने को नहीं है आपको नया डेटा लेना है अपनी जजमेंट यूज करनी है तो थोड़ा सा टाइम आपका सेव होता है ठीक आगे हम देखें तो क्या है इन सम केसेस क्वालिटेटिव फोरकास्ट आर स्पेशली इम्पॉर्टेंट एज दे मे बी ओनली मेथड अवेलेबल अब जब डेटा ही नहीं है तो आप क्वांटिटेटिव मेथड्स का कोई भी टूल इस्तेमाल नहीं कर सकते These methods are usually used for individual products or product families, seldom for the entire market. Seldom मतलब not very often. तो so, पूरे market के लिए हम इसको इस्तेमाल usually नहीं करते हैं। हम इसको particular एक product के लिए या एक particular product की जो range होती है, जैसे मान लीजिए Britannia breads so बनाती है, तो उसने different type of breads बनाई है। उसके लिए वो क्या analysis करना चाहता है? उसके लिए हम qualitative forecasting का use करते हैं, ठीक? नाउ टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च हमें किस तरीके की क्वालिटेटिव रिजल्ट देखने को मिलती हैं हम सबसे पहले करते हैं जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था मार्केट सर्वे ठीक सेकेंड हुआ डेल्फी और पैनल कंसेंसस इनके बीच में क्या डिफरेंस है ये क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे इनको डिटेल में थर्ड आया आपका लाइफ साइकिल एनोलॉजी आपने शायद मार्केटिंग में पढ़ा हो कि किसी भी प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है तो उस पर डिपेंडेंट भी हम किसी प्रोडक्ट की फोरकास्टिंग करते हैं कि वो मार्केट में कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा कौन लोग उसको पसंद करेंगे कौन लोग उसको पसंद नहीं करेंगे एंड लास्टली इन्फॉर्म्ड जजमेंट इन्फॉर्म्ड जजमेंट क्या होती है कि जब आपको जानकारी है कि आपके पास जो वेरियस ऑप्शन हैं चार पाँच छः सात कितने भी हो सकते हैं उसमें से जो फैक्टर्स उस पर डिपेंडेंट हैं कि कौन सा आपकी जो चॉइस है उसको बेस्ट सूट करेगा या प्रूफ करेगा कि आपकी चॉइस बेस्ट रही तब आप एक इन्फॉर्म्ड जजमेंट ले पाते हैं राइट right? अब इनको हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं सबसे पहले आया मार्केट सर्वे आई एम श्योर आप सब लोग यूट्यूब यूज़ करते होंगे तो जब हम यूट्यूब यूज़ करते हैं तो उससे पहले कई बार हमें सर्वेज आते हैं कि आपने इन प्रोडक्ट्स के बारे में सुना है आप इनमें से कौन से प्रोडक्ट्स यूज करना चाहते हैं दैट इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ मार्केट सर्वे मार्केट सर्वे क्या होता है कि हमें जिन लोगों से मतलब है या जिनको दिमाग में रख के हम अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं हम उनसे उनका ओपिनियन मांगते हैं कि आप इस प्रोडक्ट में क्या पसंद करेंगे या जो पहले से प्रोडक्ट्स चलते आ रहे हैं उनमें से आपको कौन सा पसंद है उससे हम डिड्यूस करने की कोशिश करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में हम ऐसा क्या डालें कि वो कस्टमर को आगे पसंद आए या क्या ऐसा है जो शायद कस्टमर को पहले नहीं मिला जो अब अगर हम अपने प्रोडक्ट में देते हैं और ऐसे प्राइस पर देते हैं जो कस्टमर को पसंद है तो कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को खरीदना चाहेगा राइट पढ़ते हैं हम इसको जनरली स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर स्ट्रक्चर्ड का क्या मतलब हुआ कि हम उसको एक पर्टिकुलर पैटर्न में बनाते हैं कैसे आपने देखा होगा क्वेश्चनर्स में पहले आपसे बारे में पूछा जाता है कि आप अपने बारे में बताइए फिर आपकी धीरे धीरे एक पर्टिकुलर चीज़ के प्रेफरेंस के बारे में पूछा जाएगा फिर थोड़ा और डिटेल में जाते हैं फिर थोड़ा और डिटेल में जाते हैं राइट दिस इज वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चनर ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर में क्वेश्चनर्स आते हैं जिससे कि हम डेटा कलेक्ट करते हैं डिपेंडिंग ऑन किस तरीके का हमारा प्रोडक्ट है या डिपेंडिंग ऑन किस तरीके का हमारा कस्टमर है या जो पर्सन है जिससे हम सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं ठीक सबमिटेड टू पोटेंशियल कस्टमर जिनसे आप खरीदारी एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आपके पोटेंशियल कस्टमर हैं उन्हीं से आप ये क्वेश्चन पूछेंगे दे सोलिसिट ओपिनियंस अबाउट द प्रोडक्ट्स और द पोटेंशियल प्रोडक्ट्स जो आप ऑलरेडी बना चुके हैं या जो आप बना रहे हैं या जो आप बनाने की सोच रहे हैं पोटेंशियल प्रोडक्ट्स एंड ऑफन अटम्प्ट टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइटलीहुड ऑफ द कस्टमर डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज आप जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऑफर करने की सोच रहे हैं उनमें जो फीचर्स आप देने की सोच रहे हैं उनके बारे में कस्टमर का क्या लाइटलीहुड लाइकलीहुड मीन्स कितना चांसेस हैं कि वो उस पर्टिकुलर फीचर को या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उस वजह से लाइक like करेगा जिस वजह से आप उसको बनाने का सोच रहे हैं तो इससे आपको आइडिया मिलेगा कि अगर आपको प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने से पहले थोड़ी चेंज करने की जरूरत है राइट इफ एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली अगर सही तरीके से किया जाता है तो ये एक्सपेंसिव भी होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है एक्सपेंसिव क्यों क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को कवर करने के लिए अगर आप उसका एक सैम्पल साइज भी लेते हैं तो भी उसको कवर करने में टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा काफ़ी टाइम लगता है क्वेश्चन को भरने में बनाने में उसका एनालिसिस करने में और इतने लोगों तक पहुँचाने में उनसे भरवाने में उनको कन्विंस करने में हो सकता है उनको समझना है आप क्या पूछना चाह रहे हो तो उनको उतना इलेबोरेट भी करना पड़ेगा दैट इज़ वाई इट कैन बी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग लास्ट पॉइंट पे आए तो इट इज़ दस ऑफन आउटसोर्स आउटसोर्स का मतलब कि इनको थर्ड पार्टीज को दे दिया जाता है क्योंकि हर काम ऐसा नहीं होता जो आप ज़्यादा एफिशिएंटली एफिशिएंटली इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव या टाइम इफेक्टिव आप कर पाए तो आप ये उनको दे देते हैं जो कि ये काम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं जो प्रोफेशनली यही काम करते हैं राइट सो दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग नेक्स्ट मेथड पे आए हम डेल्फी मेथड और पैनल कंसेंसस मेथड अब इसमें क्या है फोरकास्टिंग यूज पैनल्स ऑफ डिफाइंड एक्सपर्ट्स इन द मार्केट और एरिया फॉर विच द सर्वे इज बींग डेवलप्ड अब टाइटन ने डेवलप किया फास्ट ट्रैक या अभी उनका जो परफ्यूम आया है आपने देखा होगा टाइटन का तो उन्होंने उससे पहले क्या किया होगा उससे पहले उन्होंने मार्केट में सर्वे किया होगा कि हम या फिर तो भाई लोगों से पूछे ज़्यादा के या फिर जो इस फील्ड में ऑलरेडी एक्सपर्ट्स हैं जिनको इस फील्ड की जानकारी है हम उनसे पूछ लेते हैं टाइम बचेगा राइट right? तो द एक्सपर्ट्स अटेम्प्ट टू ब्रिंग आउट देयर इंडिविजुअल नॉलेज हम एक्सपर्ट्स भी ऐसे लेते हैं जो कि हर फील्ड के बारे में डिफरेंट जो परस्पेक्टिव होते हैं उनके बारे में अलग अलग एक्सपर्टीज रखते हैं अपने पास ताकि हमें हर एंगल का पता लग सके ऑफ द फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिमांड इन टू द एनालिसिस मतलब हम जो भी फैक्टर्स को कंसिडर कर रहे हैं जो कि हमारे डिमांड को घटाएंगे या बढ़ाएंगे उनके फैक्टर्स को डिमांड का एनालिसिस कर पाएंगे इंटरेक्टिंग विद ईच अदर टू अटेम्प्ट टू डेवलप अ कंसेंसस सो एज टू डिमांड फोरकास्ट फॉर द प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट फैमिलीज इन क्वेश्चन अगर हम सब लोगों के जो ओपिनियन है वो एक साथ समझ पाएंगे तो शायद जो लोगों का सोचना होगा या ऑलरेडी है उन प्रोडक्ट्स के बारे में जो मार्केट में है उनके बारे में हम एक कंबाइंड व्यू एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग रख पाएंगे ठीक है वाइल द पैनल फोरकास्टिंग टेंड्स टू ब्रिंग द एक्सपर्ट्स टूगेदर इन अ मीटिंग फॉर्मैट फॉर द डिस्कशन द डेल्फी मेथड अलाउज फॉर अ सीरीज ऑफ इंडिविजुअल फोरकास्ट टू बी मेड बाई ईच एक्सपर्ट अब यहाँ पर हमें इसका डिफरेंस समझ में आया जब हम बात करते हैं पैनल कंसेंसिस की तो हम सब एक्सपर्ट्स को एक साथ बैठाते हैं हम कोशिश करते हैं कि हमारा एक कंक्लूजन एक साथ रीच हो राइट बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डेल्फी मेथड डेल्फी मेथड में क्या करते हैं जैसे एच आर की एक टीम हुई ह्यूमन रिसोर्सेज की मार्केटिंग की एक हुई प्रोडक्शन की अलग हुई हम सबसे अलग अलग ओपिनियंस उनके पूछते हैं फिर उनका खुद से ही या उसके लिए भी एक अलग से एक्सपर्ट हायर करते हैं कि इनके ये अलग अलग व्यूज़ रहे अब इनका एक असिमिलेटेड एक कंबाइंड बेस्ट ऑप्शन बेस्ट रिजल्ट हमारे पास क्या निकलेगा ठीक फिर आ गई लाइफ साइकिल एनोलॉजी जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था आपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ी होगी अगर नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ पहले उस कॉन्सेप्ट को समझाइए बेसिकली ये वाला एक ग्राफ है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसकी चार स्टेजेस होती हैं जो इंट्रोडक्शन है जब प्रोडक्ट को मार्केट में पहले पहले इंट्रोड्यूस किया गया ग्रोथ जब उसकी सेल्स में हम ग्रोथ देखते हैं मेच्योरिटी मतलब जब उसका मैक्सिमम रीच कर जाता है सेल्स का फिगर अब उसके बाद दो ऑप्शन है या फिर तो कंपनी को एफर्ट डाल के प्रोडक्ट का एक्सटेंशन करे या फिर उसका डिक्लाइन हो जाएगा एंड धीरे धीरे हो सकता है प्रोडक्ट मार्केट में खत्म हो जाए आप कोई भी प्रोडक्ट लेंगे तो आप उसके अलग अलग सेल्स के फिगर्स जो हैं वो देख सकते हैं उसकी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल देख सकते हैं इसको पढ़ते हैं हम इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट मोस्ट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैव अ फेयरली वेल डिफाइंड लाइफ साइकिल जो लाइफ साइकिल हमने यहाँ पे देखी ये हर प्रोडक्ट या सर्विस में देखी जा सकती है देर इज जनरली ग्रोथ ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस आफ्टर इंट्रोडक्शन टू द मार्केट पहले ग्रोथ होती है इंट्रोडक्शन के बाद एट सम पॉइंट द प्रोडक्ट और द सर्विस मैच्योर्स जो हमारा मैच्योरिटी वाला फेज हुआ इंप्लाइंग लिटिल और नो एडिशनल ग्रोथ इस पर हमारी स्टेगनेंसी रीच हो जाती है सेल्स हमारी कॉन्स्टेंट हो जाती है until eventually the demand declines to the point where there is no longer offered. आपका डिक्लाइन धीरे धीरे नीचे जाएगा सेल्स का और धीरे धीरे फिर आप मार्केट में प्रोडक्ट को बनाना बंद कर देंगे जब उसकी डिमांड ही नहीं है तो बनाने का फायदा क्या हुआ राइट right? ओके okay, अब हमारा आ गया इन्फॉर्म जजमेंट अभी हमारी जो एज चल रही है ना इट इज़ द एज ऑफ इंफॉर्मेशन इफ़ यू हैव इंफॉर्मेशन इफ यू हैव द राइट इन्फॉर्मेशन यू हैव द पावर राइट तो अगर आपके पास सही इंफॉर्मेशन है तो आप सही जजमेंट सही चॉइस कर पाएंगे ठीक वन कॉमन अप्रोच दैट इज यूज फॉर सेल्स मैनेजर इज टू आस्क ईच सेल्स पर्सन टू डेवलप अ प्रोजेक्शन ऑफ सेल्स फॉर देयर एरिया फॉर सम डिफाइंड टाइम पीरियड इन द फ्यूचर हम मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं दिल्ली एनसीआर का ठीक है दिल्ली एनसीआर में हमारे पास आया दिल्ली गुड़गांव नोएडा गाजियाबाद ठीक हमने हर एरिया से अलग अलग एक सेल्स मैनेजर लिया या सेल्स पर्सन लिया उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर एरिया कि आपको जानकारी है इसके हिसाब से यह पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितना खरीदा जाएगा तो आपने चारों लोगों से अलग अलग एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और उसके हिसाब से अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू किया द सेल्स मैनेजर देन कंबाइंस द इंडिविजुअल सेल्स प्रोजेक्शन इन टू एन ओवरऑल सेल्स फोरकास्ट फॉर द कंपनी जो हमने अभी बात की कि सेल्स मैनेजर ए बी सी डी थे रिप्रेजेंटिंग नोएडा दिल्ली गाजियाबाद एंड गुड़गांव उन सबके सेल्स फिगर को कंबाइन किया एंड हमने अपना प्रोडक्शन चालू कर दिया इट इज़ नॉट कंसिडर्ड वेरी इफेक्टिव क्यों क्योंकि ये अगेन प्योरली जजमेंट बेस्ड है और चारों लोगों का अलग अलग जजमेंट है चारों लोगों के अलग अलग फोरकास्ट हैं वो कितने इफेक्टिव होते हैं कितने ट्रू होते हैं उसका कोई एनालिटिकल बेसिस नहीं है तो यू कैन नेवर बी श्योर कि वेदर इट विल बी एज इफेक्टिव एज द प्रीवियस मैथड्स विच वी स्टडीड ठीक अब ये हमारे रेफरेंसेज आ गए हैं रेफरेंसेज में हमने देख सकते हैं जो एक ये पर्टिकुलर बुक है फोरकास्टिंग की फोरकास्टिंग मेथड्स एंड एप्लीकेशंस एंड उसके अलावा भी आपको कई सारी फोरकास्टिंग की बुक्स मिलेंगी मार्केट में जो कि आपके वेरियस मेथड्स पे आपको ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस पर्टिकुलर केस में अगर हम एक केस की बात करते हैं तो वहाँ पे आपके मार्केट की कंडीशंस आती हैं ठीक आपका पहले का ट्रेंड क्या रहा है मार्केट में यह आता है जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप अभी बेचने की कोशिश कर रहे हैं उसने मार्केट में पहला कैसे परफॉर्म किया है राइट अगर मान लीजिए प्रोडक्ट नया है तो आप क्या करेंगे किन फैक्टर्स को ऐसा नया कंसिडर करें जो कि मार्केट में एक्चुअली आपके प्रोडक्ट के सेल्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपकी फ़ोरकास्टिंग एक्चुअली में एक्यूरेट रहेगी या नहीं रहेगी राइट right? फिर हमने यहाँ पर एक देखी इफेक्टिव फोरकास्टिंग एंड जजमेंटल एडजस्टमेंट जजमेंटल एडजस्टमेंट इज अ वेरी की टर्म हेयर adjustment. अगर आप अपने जजमेंट को एडजस्ट नहीं करेंगे आप उसको चेंज नहीं करेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट एज पर द प्रोडक्ट दैट यू आर ट्राइंग टू ऑफर एज पर द मार्केट कंडीशन इन विच यू शिल बी ऑपरेटिंग इन द फ्यूचर उसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं तो आप पहले से वो Uh, जो हमने बात की थी पहले कि इनकी डिस्क्रिपेंसिस की जो अक हो सकती हैं जो गलतियां हो सकती हैं उनके लिए तैयार आप पहले से नहीं रहेंगे तो आपके सेल्स में आ सकता है बहुत तगड़ा डिप और एक बार अगर कस्टमर आपसे लूज़ हो गया आप उसके बाद शायद उनको रीगेन नहीं कर पाएंगे राइट एक और अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया है डेटाबेस मॉडल्स एंड मैनेजीरियल इंस्टीट्यूशन जिसमें कि 50 परसेंट मॉडल 50 परसेंट मैनेजर दिया है हम यहाँ पर अगर फोरकास्टिंग में बात करें ना तो जितना इफेक्टिव आपका फोरकास्टिंग है फोरकास्टिंग की कोई भी टेक्निक है उतना ही इफेक्टिव ज़रूरी है कौन जो आपका मैनेजर है जो एक्चुअली उसको एम्प्लाई करने वाला है जो उससे समझने वाला है डेटा कि कैसे इस प्रोडक्ट से इस पर्टिकुलर टेक्निक को कैरी आउट किया जाए कैसे इसके डेटा को एनालाइज़ किया जाए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन सी टेक्निक किस पर्टिकुलर मार्केट के लिए और डेटा के लिए बेस्ट रहेगी और एक और की बात करें इंटीग्रेटिंग क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग अप्रोचेज आई एक्चुअली कैन नॉट मेक इनफ इम्पॉर्टेंस ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग कि आपका जो जजमेंट इस चीज़ का होगा कि आप कितना बैलेंस कर सकते हैं अपने क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव फोरकास्टिंग के कॉम्बिनेशन को उसी पर आपकी सक्सेस एक्चुअली में डिपेंड करेगी आपका जो सबसे पहला स्टेप होता है प्लानिंग का प्लानिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट यही आता है कि समझने के बाद आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना होगा कि आपका क्वालिटेटिव कितनी ज़रूरी है क्वांटिटेटिव कितनी ज़रूरी है उनको मर्च कैसे करेंगे परफेक्टली और उसके बाद कैसे आपको वो सही रिजल्ट चाहेगा जो आपकी कंपनी को वो सक्सेस देगा जो कि आपकी कंपनी चाहती है आपसे भी और आपके प्रोडक्ट से भी राइट right? सो so, हमने क्या पढ़ा हमने पढ़ा क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग हमने क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग की चार टेक्निक्स पढ़ी हमने ये देखा कि किसकी क्या एडवांटेज है किसकी क्या डिसएडवांटेज है कब उनको यूज़ करना चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंटली कि हमें सिर्फ इंडिविजुअली उनको नहीं रखना है हमें उनको शायद मिक्स करना पड़े तो हमें इसके लिए भी फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है राइट सो दिस वॉज़ क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग आई होप आप सब लोगों को समझ में आई हो एंड आई एनकरेज ऑल ऑफ़ यू कि आप और ज़्यादा रिसर्च पेपर्स पढ़ें बुक्स को रेफर करें आप जितनी ज़्यादा अपने फोरकास्टिंग की नॉलेज को बढ़ाएंगे आप उतना ही अच्छा फोरकास्ट कंपनी के लिए Right. So this was the lecture for today on qualitative forecasting. Thank you all for your attention and for your time. Thank you so much.